हम यहाँ पे आए थे दारू पीने के लिए। अब हम खाने पीने जाएंगे, दीदी खिलाएंगे, पतल करेगा, चप्पलें जूते। भाई साहब बहुत है गर्मी है यहाँ पे, बहुत काम करते हैं हम तो सनम। भाई साहब जी, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। क्या हाल है सभी के, होप सब अच्छे होंगे। एंड आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा था कॉलेज से, व्लॉग स्टार्ट करने ही भूल गया, मतलब जल्दी इतनी थी तो पहुंच गए। राय तुम्हारे भाई ने, भाई नई टी शर्ट, नई शर्ट, नई पैंट, बूट पुराने ही है वो, छोड़ छोड़ ही मत। पौड़ियाँ चढ़ चढ़ के बस हो जाती है यार। और सब बढ़िया? हम तो बढ़िया। और आज गुरबी रहेगी, रबा रबा अकेला फील नहीं करेगा, जो भी बहुत अच्छी बात है। और आपको इको आ रही होगी कि क्लास आज फिर से खाली। वाह, व्हाट एन मास्टर स्टूडेंट्स वी आर। अभी टीचर्स आए नहीं, उनके इंटरव्यू वगैरह हो रहे हैं, इसलिए क्लासेज नहीं स्टार्ट हो रही। बाकी जो दूसरी क्लासेज हैं, जो बड़ी वाली क्लासेज हैं, जो मेन क्लासेज हैं, वो स्टार्ट हो चुकी हैं। दैट्स इट, मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, जब कोई आता है या नेक्स्ट लेक्चर में कोई बात करनी होगी आपसे तो जरूर बताएंगे। तो हमारा लेक्चर हो गया फ्री, हम आए थे यहाँ पे, क्या करने आए थे हम यहाँ पे? हम यहाँ पे आए थे दारू पीने के लिए। हमें लगी प्यास तो हम आ गए यहाँ पे जूस पीने। और हमारे को देखो, ये हमारी की कहते हैं, उसकी कहते हैं उसको, मतलब बहन तो चल कहते हैं ना, सो कॉल्ड था कुछ, कोई इतना लंबी सी लाइन होती है, मैं वो बोलने वाला था, मेरे को भूल ही गई हूँ। वट एवर, शी इज़ माई सिस्टर, शी इज़ माई छोटी बड़ी सिस्टर। तो आप इससे मिलिए, अब यही हमारे साथ जो है लेक्चर लगाया करेगी और हमारा दिन अच्छा जाया करेगा। और नो डाउट आज हमारा दिन अच्छा जा रहा है, क्योंकि दीदी हमें, मेरे को जूस नहीं दे रही, मेरा इसने ज़बरदस्ती जूस पकड़ के ये पी रही है, गंदी बच्ची। अगेन इन कौन सी क्लास? 12 बजे वाली क्लास हम बैठे हैं अभी। फर्स्ट लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर थोड़ी है, पहला तो है कोई कोई चौथा पंचवा लेक्चर है ये। 12 बज चुके हैं अभी, देखते हैं कोई आता कि नहीं आता। हम अभी भी अकेले हैं, वो मतलब है बच्चे, ये देखो टीचर इज देयर, नो सो वी आर अलोन। मगर आज हमने थोड़ा सा पढ़ा, क्या पढ़ा है हमने पढ़ा, जो ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हमने, ऑफर डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट या डिस्ट्रीब्यूशन कंप्यूटिंग। हो गई छुट्टी, घर को जा रहे हो। और आज ना आपको दीदी कुछ बताना चाहते हैं, कॉलेज कैसा हो गया ये? बंजर जमीन, बंजर जमीन, कोई चज का बंदा नहीं टक्कर रहा, दीदी कह रहे हैं कि है तो चलो। वैसे मैंने भी आपको यही बोला था उस टाइम कि हमें अब रहा ही नहीं कुछ, कॉलेज खत्म हो चुका है कॉलेज, और लंगड़ बंगड़ से आ चुके हैं, हमारे जैसे कोई दिखता ही नहीं है, दुखी है। तो ये देख लो, टाटा बाय बाय, बाय बाय कॉलेज, कल आएंगे, कल आते हैं, अभी चलते हैं घर को। घर को जाना, क्यों जाना? अब हम खाने पीने जाएंगे, दीदी खिलाएंगे, हम खाएंगे मजे से। क्या खाएंगे? जो आपका दिल करेगा, चप्पलें जूते, गजब बेइज्जती है। ये नहीं खाता मैं, सॉरी। कहाँ लग गए थे हम, और मैडम जी ने पहले बाइट ले ली, बोला उद्घाटन ये करेंगे, और इसकी पैटी की हालत देख लो, क्या किसका खिलारा बना दिया मेरी पैटी का। और साथ में क्या है ये, क्या था मैं भूल ही गया, ये कुछ समाला सोडा, समाला सोडा पियेंगे हम। हम कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, मिलते आपको खा पी के। तो घर पे पहुंच गए, और घर पे पहुंच के दाल को तड़का लगाना पड़ रहा है अभी, मम्मी है ही नहीं, मम्मी बाजार गए हैं, दादी जी को भूख लग रही है। और अब सामान ये देख लो, दाल पड़ी थी, दाल को लगाएंगे तड़का, और इन पंजाबी तड़का, फिर खिलाएंगे सभी को, फिर रेस्ट वेस्ट करेंगे, फिर आपको शाम को मिलेंगे, फिर देखते हैं क्या करते हैं, ठीक है? तब तक के लिए बने रहें आप, कहाँ जाएंगे जाएंगे, आगे तो बाद में देखेंगे, पहले तड़का लगाना पड़ेगा। जैसे कि सभी को पता ही है कि नवरात्रों के दिन है, तो आज एक जो दीदी, जो कल गुड़िया जिसके साथ मैं खेल रहा था, अगर आपने पिछला व्लॉग देखा होगा तो पता होगा आपको, तो आज उन दीदी ने ना यार तोलिया गिर गया यार नीचे, देखो उल्टे काम ही करता हूँ मैं सीधा।
होते क्यों नहीं होते मेरे से, मेरे को तो ये समझ नहीं आती। तो हाँ कहाँ बैठे हम, तो उन दीदी के आज कीर्तन है, वो कीर्तन करवा रहे हैं। तो मम्मी वाली समान समूह लेके आए थे, वो छोड़ गए तेरी, तो बस अभी वो लेके आते हैं। और दीदी ने बोला कि शुभम को अभी यहाँ शाम तक यहाँ पे भेज दो, मतलब वो वहाँ के स्टेज सजानी है तैयारियाँ। ओ वाह यहाँ पे अच्छी आ रही, तो वहाँ पे तैयारियाँ करनी है। तो अभी स्टेज वगैरह सजाते हैं चल के ना, अच्छे से मंदिर बनाएंगे तो फिर आपको दिखाएंगे। और यार समझा करो यार, लाइक शेयर करो यार, ओके करो लाइक शेयर शेयर तो करो कम से कम। और बाकी सब बढ़िया। और जैसे कि बताया गया था कि आई कॉन्टैक्ट के बीच में रखा करो फ़ोन को, अब आई कॉन्टैक्ट में रखा गया ऐसे से। अब यार क्या करें, फ़ोन है यार इसमें वाइड एंगल नहीं है, इतना ऊपर नहीं जाता। ये तो वाइड एंगल का एक फ़ायदा होता है कि फ़ोन दूर हो जाता और बंदे का व्यू अच्छा आता है। सामान भारी है इसलिए डामाडोल हो रहा हूँ, ज़्यादा उल्टा पुल्टा समझना मैं। बाकी सब बढ़िया। किसी को जो हमारे पुराने बंदे हैं उनको पता होगा कि शरादों में हम वाइट फूल यहाँ से लेके जाते थे ना, यहाँ से और स्पीड से, तो उसी घर पे जा रहे हैं। ये दीदी, ये घर उन्हीं दीदी का है ये। तो बस चलते हैं अंदर। तो भी अपने को दरी लेके आनी है, बाकी हमने सामान इधर उधर कर दिया। सोफे उठाने थे, सोफे इधर से उधर कर दिए, उधर से इधर कर दिए, जगह बना दी। तो नीचे बैठने के लिए अब दरियाँ भी चाहिए, तो मैं दरी लेने जा रहा हूँ घर पे। मिलते हैं आपको, दरी उठा के कि जादू दिखाएं। नहीं यार जादू छोड़ो, ऐसे ले आते नहीं, आपको जादू दिखाते हैं ठीक है। जगह देख रहे हो खाली है ना, अभी दिखाते हैं। ये जादू ही नहीं चला यार, जादू अच्छा जादू इसलिए नहीं चला क्योंकि आज दरिया घर पे तो है ही नहीं। दरी तो 200 उधर गई जहाँ पे हम जाते हैं सुबह मंदिर में, तभी नहीं जादू चला, मेरे को भी याद नहीं रहा। चलो वापस चलते हैं फिर, अभी किसी और आंटी के पास जाके लेके आनी पड़ी दरियाँ। तो ऋतिक आ गया, ऋतिक अपने जंगल में फंस गया। बड़े हरामी हो बेटा। तो मैं ऋतिक को बोला कि तू भाई तू जा साइकिल पे और दरियाँ ले आ, क्योंकि दरी यार इतनी दूर से उठाए कैसे लाएंगे। तो ऋतिक के पास साइकिल है, ऋतिक जाएगा साइकिल पर फटाफट जा कर लेके आ जाएगा। वापस चलते हैं, चक्कर पे चक्कर लग रहे हैं फिर। चलो अभी अपन को लेके आनी है माता जी की फोटोएं जो लगाएंगे टेबल के ऊपर रख के सजाएंगे, वो मैं लेके नहीं आया घर पे ही है। तो मम्मी से पूछते हैं कौन कौन सी लेके जानी है, एक शिव परिवार एक राम परिवार, और देखते हैं जो जो मिलगी वो लेके फिर वापस चलते हैं। बस यही करना है अपन को, आज कुछ नहीं करना है, आज भगवान जी की सेवा करेंगे हम। चलो एचकुली, एक्चुअली होता है मेरे को पता है एचकुली, मैं ये मेरी लैंग्वेज है एचकुली। हमारे पास एक छोटी कृष्ण जी की है, बाकी सारी बड़ी बड़ी तो राशि औरों के पास है। अभी उनके पास जाते हैं, उनसे लेके आते हैं, वाली आंटी से लेके आते हैं, उनके पास है। तो चलो यही काम करना है आज अपन को, कभी इधर से उधर जाना, कभी उधर से इधर आना। सेवा करेंगे फल भी तभी मिलेगा, सेवा करो तभी मेवा मिलता है, तो सेवा कर रहे हैं हम। तो मूर्तियां आए थे मगर हम एक लड़की को भी साथ में लेके जा रहे हैं। लड़की की लड़की कितनी गोरी आ रही है यार, मैं कल्लू ही हूँ। बड़ी जल्दी मान गई ये बात, इतना काला भगवान जी। चलो भगवान की दया, रंग तो दो ही है काले और चिट्टे और हमारा बीचला बीचला है सेंटर वाला सांवला। ये देखो अपन को देखा, अपन को पता है सामान कहाँ कहाँ से क्या मिलेगा, तभी हमको हर कोई अपॉइंट कर लेता है कामों के लिए कि हाँ शुभम जी को बुलाओ, डेकोरेशन हाँ खास करके अपना डेकोरेशन का काम अगर आपको चाहिए तो आ जाना, तो जरूर हमें कॉल करें, हम कॉल नहीं उठाएंगे। काम हो रहा है यहाँ पे, लगी स्टेज, ये सामान आ रहा है, चुन्नी लटकाई है बड़ी ओखी सोखी से सेटलिंग मेंट करके। भाई तुम्हारा जो गाड़ी है कुछ ना कुछ तो कर ही देगा ना, सही लग रहा है ना, बाकी और करते हैं कुछ। ए बच्ची, ए बंदी ने अलग ही दुनिया हिलाई पड़ी है। परी क्या कर रही है तू? कर्मचारी जी आ गए एक और कर्मचारी जी, क्या हाल है?
ले आए प्रस्थान लबमा के लाली। अपनी तरफ से फाइनल हो गया, अब लेके आना हमने सामान, उससे पहले हमारे को साइकिल उठानी पड़ेगी। वाह वाह वाह, ये साइकिल करनी पड़ेगी साइड पे, क्यों हमने अब चलानी है साइकिल, तो साइकिल नहीं गड्डी। तो चलो चले। अरे भाई साहब, अंदर गर्मी बहुत ज्यादा गर्मी है। गड्डी ऑन होगी, अभी लेके आते हैं जो जो आएंगे पे आएंगे उनके लिए जो खाना पीना साना, बस। तो चलो चले भाई साहब, बहुत है गर्मी है यहाँ पे। ये गाड़ी छोटी है ना, मेरे से थोड़ा सा फर्क पड़ता है, बाकी ठीक है। हम तैयार हैं, गाड़ी तैयार है, दीदी आ रहे हैं। ओ कर्मचारी कर्मचारी फराटा लेके जा रहे हैं, क्योंकि अंदर फिर थोड़ा सफोकेशन सी हो जाएगी ना, इसलिए फिर हमने अपना फराटा ले आए ताकि अंदर गर्मी ना लगे किसी को। और हमने अभी पारस भैया जी की कार उसको चलाएंगे, क्योंकि अभी जो सामान है कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह वो लेके आनी है, तो वो दीदी बोले फटाफट जाके हम ले आते, क्योंकि टाइम जो है हमने दिया है सभी को, हमने नहीं जो दीदी और उन्होंने दिया है। आज की बात है, वैसे तो हमने हो गए दीदी हो गए, क्योंकि स्टार्टिंग से हमें कोई ऐसा हम तुम नहीं है, क्योंकि दीदी हमारे बहुत अच्छे हैं, इन्होंने हमें 10वीं तक पढ़ाया, इन्होंने हमारी सपोर्ट किया। ये वही दीदी हैं जिनकी मैं पिछले व्लॉग में बात कर रहा था एक बार कि ऑलवेज सपोर्ट अस। ओ माय गॉड, मेरा रंग चिटा हो रहा है। शॉपिंग सारा सामान डन, पोचा भी के साथ सब कुछ आ गया। कर्मचारी है हम, कूली रे कूली। कारीगर बंदे हैं, कारीगर बंदे, देखो सजा दिया पूरा मंदिर। ओ तेरी है, ढोल की चिमटा भी आ गया। क्या बात, क्या बात, क्या ही बात। बहुत काम करते हैं हम तो सनम। अभी ये लेके चलेंगे घर को, क्योंकि दीदी और का फ्रिज होगा फुल और ठंडी भी करनी है, तो अभी अम्मी इसको ये तीनों बोतलें अपने घर पे लगाते हैं ठंडी होने के लिए, फिर जब ठंडी होंगी फिर आना पड़ेगा। इसीलिए मैं गाना याद आ गया, बहुत काम करते हैं हम तो सनम, बाकी पता नहीं। अबे बंद नहीं हो रही है। अरे भाई साहब टचिंग उधर से बच गया है, तो फिर घर वालों ने काम दे दिया, देख लो नीचे भाई क्या। अभी मेरे को जाना अपने के लिए लेके आने हैं, दो दर्जन के लिए चढ़ाने के लिए। जय माता दी। धुआं ही धुआं हो गया, ये क्या धुआं धुआं भाई साहब। यहाँ पे लोग पकड़ने आ जाएंगे बाहर से पुलिस वाले, क्या आपने इतने धुआं, इस शख्स ने किया है धुआं, ये जो शख्स घूम रहा है ना यहाँ पे डंडा लेके, ये पतला साहब, इस बंदे ने धुआं ही धुआं कर दिया। देख लो भाई तुम्हारे कितनी किल्लत हो रही है, आए आंखों में डल रही है यहाँ से कि लाइट चल गई है फिर से, कीर्तन वगैरह सब अच्छे से हो गया, मगर वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि लाइट ही नहीं थी, लाइट ही नहीं थी, इस वजह से वीडियो भी नहीं बना पाए। तो बस जय माता दी। बाकी आपको अभी दिखाते हैं कि हमारा मंदिर हमने कैसे तैयार किया था, किस्मत अच्छी थी कि हमने वो बना ली थी, तो पहले वो देख लिए, देख लीजिए फिर बाकी बातें बाद में करते हैं। तो आपने वो देख ली होगी ना वीडियो, अच्छी लगी, अच्छी है। ये सब कुछ किया है ये भाई साहब ने, इधर नजर आएंगे यहाँ से, ऋतिक ने ये सारी कारिस्तानी की, ऋतिक ने सारी नहीं थोड़ी हमने भी की थी पहले, बाकी बाद में जो बची कुची थी वो उन्होंने कर दी। और ठीक है फिर करते हैं अपने आज के व्लॉग का दी एंड, कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ आपके लिए, और इस तब तक के लिए आप खुश रहें, सदाबहार घूमते फिरते रहें, ऐश करते रहें, और टेंशन फ्री रहें और सेफ रहें, और बस ठीक है यार क्या, और तो मिलते हैं आप, हाँ हमारे साथ जुड़ते रहें, हमारी वीडियोस को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। देखो यार इतनी मेहनत कर रहे हैं हम, देखो बिना लाइट के वीडियो बना रहे हैं।
मतलब लाइट घर वाली लाइट नहीं है, ये ऐसे फोन वाली लाइट से बना रहे हैं। देखो दादा थोड़ा सा इतना तो बता रहा, हम भूत बन गए। तो मिलते हैं हम अपने कल नेक्स्ट व्लॉग में, फिर मिलेंगे चलते 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 चलते। टाटा बाय बाय।